हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी हैं। आज मैं शेयर करूंगी एक वेजिटेरियन डिश का रेसिपी। ये एक ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है और इसका नाम है आलू झींगा पोस्तो। तोरई जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रिज गोट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसे ही बंगाली में झींगे बोला जाता है। और आलू तो सबको मालूम है पोटैटो। रिज गोट और पोटैटो दे के पोस्तो बनेगा। एकदम ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल ये रेसिपी जो है, ये एंड तक देखिएगा। आलू और तोरई को कट करके रेडी कर लिए हैं। आलू को ऐसे थोड़ा मोटा मोटा बड़ा क्यूब्स में कट कर लिया है और झींगा जो है, जो तोरई है, उसे ऐसे बड़ा बड़ा पीसेस में कट करके धो के पानी झरा के फ्रेश करके क्लीन करके रख दिए हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिया है। 2 चम्मच सरसों का तेल। अच्छे से तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे तोरई। तोरई को अच्छे से फ्राई करके रख देंगे। तोरई गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी इसी स्टेज में इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसे अलग से एक बर्तन में उठा के रख देंगे और उसके बाद हम लोग पोस्तो का तैयारी स्टार्ट करेंगे। तोरई को हाई फ्लेम में फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि तोरई को अगर फ्लेम लो कर दिया तो उसमें से बहुत सारा पानी निकल जाएगा और फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब तक तोरई फ्राई हो रहा है, तब तक एक पेस्ट बना के रेडी करते हैं। एक मिक्सिंग जार में ले लिया है करीब 8 से 10 हरी मिर्ची और 10 से 12 चम्मच, ऐसे ही टेबल स्पून कह सकते हैं, 10 से 12 टेबल स्पून पोस्तो। पोस्तो मतलब खसखस जो होता है ना, खसखस या पॉपी सीड्स कहते हैं इंग्लिश में, उसी को पोस्तो कहते हैं। ये पोस्तो को ऐसे ही ज़्यादा करके मिर्ची के साथ, हरी मिर्ची के साथ इसे पीस करके एक फाइन पेस्ट बना के ले लेना है। पोस्तो बनाना है तो पोस्तो का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ पोटैटो का भी ऐसे पोस्तो बनता है और तोरई को देके भी बनता है, फूल गोभी का, बीन्स का, बहुत सारे चीज़ों का, सिर्फ प्याज का, आलू के साथ प्याज का, ढेर सारे किस्म का पोस्तो जो है वो आप बना सकते हैं। सबका रेसिपी सेम है, सिर्फ अलग अलग वेजिटेबल्स डालिए या तो सिर्फ आलू का बनाइए, वो मैटर करता है, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम है। आज मैं एक किस्म का दिखा रही हूँ, कभी अगर मौका मिला तो दूसरे किस्म का पोस्तो भी दिखाऊंगी, लेकिन आप मन चाहे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके सेम प्रोसेस फॉलो करके पोस्तो बना सकते हैं। तोरई फ्राई हो गया है, उसे अलग बर्तन में उठा के रख दिया है। वही कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल और डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद जो आलू कट करके रखे थे वो कढ़ाई में डाल के अब आलू को भी अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने का ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। कोई भी मसाला इसमें नहीं जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नमक जाएगा और जो पोस्तो और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो जाएगा। हल्दी का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। आप चाहे तो थोड़ा बहुत एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे इसके अलावा और कोई भी तरीके का मसाला इसमें नहीं जाएगा। आलू फ्राई होने के बाद इसमें करीब 1/2 लीटर पानी डाल दिए हैं और 1 चम्मच नमक। अब आलू को ढक करके मीडियम फ्लेम में बॉयल होने के लिए रख देंगे। आलू बॉयल हो जाएगा और उसके बाद हमें तोरई लास्ट में डालना है, क्योंकि तोरई फ्राई होते होते ही पूरा बॉयल हो चुका है, अलग से उसको पकाने का ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को लो करके ढक के हमने 4 से 5 मिनट रख दिया था। 50% आलू बॉयल हो चुका है, लेकिन अभी भी पानी पूरा सूखा नहीं है और आलू भी बॉयल होना, पकना थोड़ा सा बाकी है। देखिए ये जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। करीब 70-80% पेस्ट अलग से एक कटोरा में निकाल के रख देते हैं और जितना पेस्ट मिक्सिंग जार में बच गया है उसे धो के उसका जो पानी है वो वाला कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है। जितना थोड़ा बहुत पेस्ट बाकी था उसी को पानी से धो के हम लोग डाल दिए हैं। अब इतना पानी में जितना सब्जी है वो पक जाएगा, आलू तो पक गया ही है, और बाकी का जितना भी बचा हुआ पोस्तो का पेस्ट है वो एकदम एंड के रेसिपी के एंड में डालेंगे, तो खसखस का एक जो फ्लेवर होता है वो बरकरार रहेगा। खसखस डाल के ज़्यादा पकाना नहीं होता है, वरना खसखस का जो स्मेल या टेस्ट फ्लेवर होता है वो चला जाता है। देखिए जितना भी पानी धो के डाले थे उसमें जितना पोस्तो का पेस्ट था वो
और साथ ही जो तुरई फ्राई होके था वो भी डाल दिया है, पानी भी सूख गया है। ऐसे ही रखना है, एकदम ड्राई नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत पानी जो है वो भी ठंडा होगा तो सूख जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गीला गीला थोड़ा ग्रेवी वाला ही हमें उतारना है। पोस्तो बन के रेडी हो गया है, अलग से हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। बस गैस ऑफ करने से पहले जो पोस्तो का पेस्ट उठा के रख दिए थे अलग से कटोरा में, वो लास्ट में डालेंगे और कच्चा सरसों का तेल एकदम लास्ट में गैस ऑफ करने से पहले करीब दो चम्मच सरसों का तेल ऊपर से डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद करके रख देना है ढक के। बस इतना ही है पोस्तो का रेसिपी। कोई भी सब्जी डाल के आप पोस्तो बनाइए, ये सिर्फ पोटैटो का बनाइए, प्याज डाल के बनाइए, कोई भी किस्म का पोस्तो बनाइए, प्रोसेस सेम है मेरे। ये रेसिपी को फॉलो करके, प्रोसेस को फॉलो करके आप कोई भी मनपसंद वेजिटेबल के साथ ये रेसिपी को बनाइए और गर्मियों के सीज़न में जितना ज़्यादा हो सके इसे खाइए। पोस्तो से पेट को ठंडक पहुँचता है, सेहत के लिए अच्छा होता है और टेस्टी तो होता ही है। जो लोग मेरे तरह बंगाली है उन्हें तो पता ही होगा कि पोस्तो कितना फेवरेट होता है सबका। देखिए बस आलू झींगा पोस्तो, आलू तुरई का सब्जी जो है पोस्तो वाला सब्जी, वो बन के रेडी हो गया है। कर लेते हैं उसका प्लेटिंग। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एकदम सादा सिंपल सा रेसिपी है, कोई मसाला नहीं जाता, सिर्फ सरसों का तेल जाता है और पोस्तो, हरी मिर्ची, नमक, इससे अलावा कुछ नहीं जाता। हरी मिर्ची हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही डाल के पोस्तो के साथ पीसे थे क्योंकि थोड़ा हमें तीखा पसंद है। आप चाहे तो हरी मिर्ची का क्वांटिटी अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा, ईजी सा एक वेजिटेरियन बंगाली ऑथेंटिक रेसिपी हमने शेयर किया है जिसका नाम है झींगे आलू पोस्तो, या तो तुरई आलू का पोस्तो आप कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे घर में बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। आई होप कि आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।